नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र के गणेशगंज के होटल नत्था लॉन्च के पास चली गोलियां। आपको बता दें कि गणेशगंज के होटल नत्था लॉन्च के पास गोलियां चलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्टर अमीनाबाद सुनील कुमार दुबे व पुलिस टीम ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं चौथा साथी पिस्टल लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस चौथे अभियुक्त की तलाश में जुटी है। अगली खबर लखनऊ की है, जहां ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी और बेटे को किया चाकू से लहूलुहान। आपको बता दें कि मामला ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां घरेलू कलह के चलते पत्नी और बेटे को पिता ने चाकू मारकर लहूलुहान किया। वहीं चाकू लगने से दोनों को गंभीर रूप से चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल अवस्था में बेटे ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर थाने में दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ में राष्ट्रीय युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर हो रहे हमले व हत्याओं के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मांग की कि राष्ट्रीय युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को योगी सरकार से दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करे। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हम सहयोग करते हैं। अगर 25 तारीख तक सुरक्षा प्रदान नहीं कराई गई और न्याय नहीं मिला, सारे दोषी गिरफ्तार नहीं हुए, तो आने वाले समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का सड़क चले करके संसद तक इनका विरोध भी करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।